So hi you guys, welcome back to my channel. I'm Ritika and you're watching Ritika's festival makeup series. So happy विजयदशमी आप लोगों को. सबसे पहले मैं आज पूरे बंगाली लुक में बैठी हूँ. आज मेरे सीरीज का लास्ट डे है. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ द नेचर्स वॉश का रोज़ वाटर. मैंने अपने फेस पे पूरे अच्छे से पैट कर लिया. देन मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिका लिप बाम. ये मेरे लिप्स को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का मॉइस्चराइज़र. ये भी मेरे फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है, हाइड्रेट करता है. सो मैं स्टार्ट करूँगी अपने आईज से. तो मैं यूज़ कर रही हूँ माइग्लैम का आईब्रो पाउडर एंड आईलाइनर का डियो वाला आईब्रोज़ को सेट करने के लिए. देन मैं यूज़ कर रही हूँ सुगा का कंसीलर एज माई आई शेडो बेस. नेक्स्टली आई एम यूजिंग ब्यूटी ग्लेज्ड का ये आई शेडो पैलेट. इसमें से मैं ऑरेंज शेड लेकर के अपने क्रीज में और क्रीज के थोड़ा ऊपर में ब्लेंड करूँगी. देन मैं यूज़ करूँगी एक पर्पल और ब्राउन कलर का शेड को मिक्स करके क्रीज लाइन पर और आउटर कॉर्नर पर अपने आईज़ का अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी उसे. देन मैं यूज़ करूँगी एक ब्लैक शेडो आउटर कॉर्नर और बहुत ही थोड़ा सा क्रीज पे, हाफ क्रीज पे ये ब्लेंड करना है हमें. नेक्स्ट मैं सेम सुगा का कंसीलर से अपने क्रीज कट करूँगी एंड यहाँ पे मैं ग्लिटर लगाऊंगी. तो ग्लिटर के लिए भी मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ. उसमें से एक बहुत ही अच्छा रस्टेड फॉयल टाइप का शेडो है, उसे मैं अपने क्रीज पे लगा रही हूँ. देन मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का आईलाइनर. ये काफ़ी अच्छा आपके विंग्स को शेप देता है. नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी फेस से. तो फेस के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर. नेक्स्ट मैं एक और प्राइमर यूज़ करूँगी, वो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है. तो ये है स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर. मैं इसे भी अपने फेस पे अच्छे से मिला लूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कलर करेक्टिंग पैलेट. इसमें यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज शेड अपने डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए. मैं इसे फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से अपने प्लेस में ब्लेंड हो. देन मैं यूज़ करूँगी मेकअप रिवोल्यूशन का ये फाउंडेशन जो कि मुझे बहुत पसंद है. दिस इज़ माई फेवरेट फाउंडेशन टिल नाउ. मैं इसे एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. देन मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पेन एच डी कंसीलर. ये भी मेरे लिए अभी एक सब मिराकल प्रोडक्ट है. ये सब अभी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा पिगमेंट है, कवरेज है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है. मैं इसे कॉप्शन लैसेस के कंसीलर ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक्स का ट्रांसलूसेंट मैट कॉम्पैक्ट पाउडर और कॉम्पैक्ट इस ट्रांसलूसेंट पाउडर. मैं बेक नहीं कर रही, मैं हल्का हल्का ब्रश के हेल्प से बस ब्लेंड कर दे रही हूँ. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एलेक कलर का कॉन्ट्रोल पैलेट. इसमें से ये जो कॉन्ट्रोल शेड है ये मेरा फेवरेट शेड है अभी तक का. मैं इसे अच्छे से अपने फेस को शेप दूंगी एंड स्लप्ट करूँगी. नेक्स्ट टाइम यूजिंग कॉप्शन लैसेस का ब्लश. ये जो पिंक है ना, ये काफ़ी अच्छा पिंक है. मेरे कैमरे में पिंक कलर जो है वो भी कैच नहीं कर पा रहा है, बहुत बुरी बात है ये. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का काजल एंड सेम वो दो कलर मिक्स करके मैं नीचे भी अभी ब्लेंड आउट करूँगी ताकि जो अब मेरा आई लुक है वो अच्छे से निखर के बाहर आए. नेक्स्ट मैं थोड़ा सा बाहर ऐसे बंगाली में फॉक्सी आइज जो होता है ना वो मैं कर रही हूँ मैं. नेक्स्टली मैं सेट कर रही हूँ अपने बेस को इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर के साथ. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वर्न वाइट का हाइलाइटर. ये भी शो नहीं कर रहा है, मैं लास्ट में फोटोज़ लगा दूँगी आपको, उसमें ज़रूर शो करेगा. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर एंड माइग्लैम का लिपस्टिक. ये दोनों मेरा फेवरेट शेड है और डार्क रेड टाइप का शेड है. एंड मैं अभी दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी ताकि एक बहुत ही अच्छा बंगाली वाला लिपस्टिक लुक आए. देन मैं यूज़ कर रही हूँ माइग्लैम का मस्कारा. ये मेरा फेवरेट मस्कारा है, ये आपके लैशेस को लेंथ देता है, वॉल्यूमाइज करता है. एंड या यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा, और मुझे तो ये लुक बहुत ही अच्छा लगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करना. मैं कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी, उसका रीज़न मैंने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है. आई एम सो सॉरी, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.